अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच भारत में ईंधन के भाव पर महंगाई की मार जारी है। देश भर में 100 का आंकड़ा पार कर चुके पेट्रोल के दाम ने जनता की जेब पर सेंध लगाई है। भारत के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर बिक रहा है, वहीं अब डीजल की कीमत भी शतक पार पहुंच रही है। भारतीय बाजार में वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला आज यानी कि सोमवार 11 अक्टूबर को भी जारी रहा। पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही गांधीनगर और लेह में भी डीजल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। इससे पहले मुंबई में डीजल शतक पार कर चुका है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की ओर से आज अक्टूबर को जारी किए गए नए रेट के मुताबिक पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर और महंगा हो गया है। बता दें कि अक्टूबर महीने में दोनों की ईंधन के भाव में हर दिन 30 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी होने के साथ पेट्रोल डीजल के दाम नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। तेल कंपनी IOCL के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104.44 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया, वहीं मुंबई में पेट्रोल अब 110.41 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में डीजल का दाम 101.03 पैसे प्रति लीटर है, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल का दाम अब बढ़ने के बाद 93.17 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। इस महीने यानी कि अक्टूबर में फिलहाल तेल की कीमतों पर महंगाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अक्टूबर में अब तक सिर्फ एक दिन जो कि 4 अक्टूबर था, उस दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रही हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेंट कच्चा तेल $82 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। एक महीने पहले ब्रेंट कच्चे तेल का दाम $72 प्रति बैरल था। बता दें कि स्थानीय करों की वजह से विभिन्न राज्यों में वाहन ईंधन के दाम अलग अलग होते हैं। मुंबई और हैदराबाद के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर और संघ शासित प्रदेश लेह में भी डीजल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बिक रहा है। वहीं भोपाल, रायपुर और जयपुर में डीजल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। बीते लगातार 7 दिन से पेट्रोल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ रहे हैं, वहीं डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।